નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા શો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂ. યોગ અને આયુર્વેદ પદ્ધતિમાં એલોપેથીની જરૂરિયાતને ખતમ કરવાની તાકાત છે. યોગ અને આહારમાં સુધાર લાવવાથી ડાયાબિટીસ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણ કરી શકાય છે એમ યોગાચાર્ય લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાનીએ શુભાનપુરા જાસીકી રાણી મેદાન ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કહ્યું. યોગાચાર્ય લક્ષ્મણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે આવતીકાલે પણ વ્યાયામ, યોગ, ધ્યાન તથા સાત્વિક આહાર નિઃશુલ્ક સ્વાસ્થ્ય શિબિરમાં સચોટ નિરોગી બનવાની ટેકનિક શીખવવામાં આવશે. આ એક અઠવાડિયાથી ચાલતી શિબિરમાં યોગ અને આહારની સાચી પદ્ધતિ અનુસરવાથી ઘણા લોકોના ડાયાબિટીસ 300 થી 120 થઈ ગયા એવા ઘણા દાખલાઓ તેમણે શિબિરમાં જોડાનાર તમામને જણાવ્યા હતા, તથા વજનમાં પણ એક અઠવાડિયામાં 4 થી 5 કિલો વજન ઘટ્યું હોય તેવું પણ તેમણે કહ્યું. આ પત્રકાર પરિષદમાં ખાસ ઉપસ્થિત વોકમેન ઓફ ઇન્ડિયાના નામથી જાણીતા અને વહો વિશ્વામિત્રી અભિયાનના રાજુભાઈ ઠક્કરે પણ બીજી માહિતી આપી હતી અને યોગ, વ્યાયામ અને જે તમામ વસ્તુઓ છે આહારમાં સુધાર લાવવાની અને ધ્યાન કરવું, સાત્વિક આહાર લેવો તે કેટલી જરૂરી છે તે વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. ઓમ. મારું નામ લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાની, પતંજલિ યોગ સમિતિ રાજ્ય પ્રભારી કે મારી જિમ્મેદારી હૈ. હમ લોગ 7 દિવસીય કા યે યોગ શિબિર કર રહે હૈ. ઇસ યોગ શિબિર કે માધ્યમ સે मनुष्य की सारी बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज से लेकर असाध्य रोग, हाई बीपी से लेकर गैस, कब्ज, उधरस, हृदय के रोग, कैंसर, सब कुछ हमने योग के द्वारा मिटाया है और सारी दुनिया इसकी साक्षी है. और उसमें हम एंटीग्रेटेड पेथी यानी कि सारी पेथियों का सहयोग लेते हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, नेचुरलोपैथी है, फिर नेचुरलोपैथी के साथ घर के मरी मसाले हैं, फिर फल फ्रूट हैं, साग सब्जियां हैं. आहार को भी परम पूजनीय महाराज श्री जी कहते हैं मेडिकेटेड रोटी, मेडिकेटेड सब्जी. इसके माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं. और कई लोगों के 7 दिन के शिविर में आज 5.5 दिन हो चुके हैं, 6वें दिन की आज रात में शिविर होगी. और इसके माध्यम से काफ़ी लोगों की डायबिटीज ठीक हुई, काफ़ी कम वजन कम हुआ, काफ़ी लोग इतने आनंदित हैं. धूप के अंदर भी लोग आकर योग सीखते हैं और योग करते हैं. योग एक जीवन जीने की कला है हमारे ऋषि मुनियों की. इसको सारी दुनिया अपनाएगी तो बगैर पैसे के ये दुनिया स्वस्थ निरोगी हो जाएगी. हमारा कुछ जाता नहीं और दुनिया बगैर पैसे के स्वस्थ हो जाए तो ये हमारे ऋषि मुनियों की, परम पूजनीय महाराज श्री जी की खोज जो उन्होंने की, उसको हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस उद्देश्य से बड़ोदरा झांसी रानी चौक पर आज 6ठे दिन की शिविर शाम को पूरी होगी. 7वां दिन कल है. तो पूरे बड़ोदरा वासियों को हम आमंत्रण देते हैं कि आप इस शिविर में आइए, जीवन जीने की कला सीखकर सदैव आप निरोगी रहिए. ओम भारत माता की जय. वंदे मातरम. व्यस्त लाइफ में जिस तरह आपने हाँ एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक लेंगे हाँ, तो कैसे लेंगे? आयुर्वेदिक भी एलोपैथी की तरह ले सकते हैं. जैसे एलोपैथी हम दवा लेते हैं, दिन में 3 बार लेनी पड़ती है, ये भी 2-3 बार लेनी पड़ती है. सुबह उकाड़े पी लो खाली पेट और दिन में 3-4 बार गोलियां खा लो, व्यक्ति ठीक हो जाता है. आयुर्वेदिक में भी लोगों की ऐसी धारणा, अंग्रेजी जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने ऐसी बैठा दी है कि अब ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. पहले नहीं करती थी क्योंकि पहले आयुर्वेदिक शुद्ध रूप में नहीं थी, लोग उसमें मार्जिन बहुत रखते थे. महाराज श्री जी ने मार्जिन बहुत कम रखे हैं और लोगों को शुद्ध रूप में औषधियाँ पहुँचाई हैं. अब लोगों की आस्था बढ़ी है. पहले मैं भी आयुर्वेदिक के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, मैं सोचता था ये घास फूस क्या इस हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगी. एलोपैथी तो आज के युग में हमारा उपचार कर नहीं पाती. तो लोगों की ये धारणा को भी तोड़ा है, मेरी धारणा को भी तोड़ा है कि खरेखर आयुर्वेद के अंदर भी बड़ी शक्ति है. कई औषधियाँ ऐसी हैं कि हम रात को अगर वो ले लेते हैं त्रिफला चूर्ण तो सुबह जाड़े हो जाते हैं, सुबह हमारा पेट साफ हो जाता है. तो बड़ी अजब गजब की औषधियाँ हैं हमारी प्रकृति ने हमें दी, हमारे ऋषि मुनियों ने दी. तो खरेखर आयुर्वेदिक तो अपने आप में इसका नाम ही है आयु को बढ़ाने वाला और सदैव व्यक्ति को स्वस्थ रखने वाला. इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, कोई कम खाए कोई ज़्यादा खाए. तो व्यक्ति तो मैं मानता हूँ कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ, मैं आज से 15 साल पहले दवाइयों के बगैर जी नहीं पाता था. दवाइयों का इतना साइड इफेक्ट मैंने झेला, मेरा लीवर डैमेज हो गया,
और फिर मुझे लगा कि अब मुझे इससे मकड़ जाल से निकलना है। और मैंने काफ़ी आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी कंपनियाँ हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही पतंजलि के सहयोग में मैं आया, पतंजलि के संपर्क में आया और मैंने उनकी दवाइयाँ ली, तो सारी दवाइयों से मेरे सारी बीमारियों से मैं मुक्त होने लगा। और तब से मेरा भी आयुर्वेदिक के प्रति समर्पण बढ़ता गया, क्योंकि वो मुझे लाभ पहुँचा दी गई। और ऑटोमेटिकली जब आदमी को लाभ मिलता है तो उसके प्रति आस्था बढ़ जाती है। तो सारी दुनिया अब आयुर्वेदिक के प्रति पूरी समर्पित होकर और उसके लाभों को महसूस करती है।